हेलो क्लास, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट्स, जो कि चैप्टर नंबर है हमारा 3। दिस इज चैप्टर नंबर 3, स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट। तो गाइज, इसमें पहली बात कि स्क्वेयर क्या है। स्क्वेयर, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ वी गेट द स्क्वेयर ऑफ दैट नंबर। क्या कहा है मैंने, व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ वी गेट स्क्वेयर ऑफ दैट नंबर और दैट टर्म। ठीक है, जब हम किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज 5 मल्टीप्लाई बाय 5, दिस इज कॉल्ड 5 स्क्वेयर एंड दिस इज 25। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई 3, दिस इज 3 स्क्वेयर, इट मीन दिस इज 9। नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, अब इस नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ में नंबर फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं। 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 विल बी स्क्वेयर ऑफ 3/2 विच इज इक्वल टू 9/4। इसकी नोटेशन होगी, पावर 2 हो जाती है इसमें। ठीक है, नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ विल बी दी स्क्वेयर ऑफ दैट नंबर। तो क्या फ्रैक्शंस हैं, तो इसका मतलब डेसिमल का भी हो सकता है। सपोज 0.7 इंटू 0.7, दिस विल बी 0.49। दिस इज व्हाट, दिस इज स्क्वेयर ऑफ 0.7, सो वी हैव 0.49। तो स्क्वेयर का मतलब क्या है, जब एक नंबर खुद से मल्टीप्लाई होगा तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी दी स्क्वेयर ऑफ दैट नंबर और दैट टर्म। ठीक है गाइस, इसमें ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर आ रहे हैं हमारे पास 25, 9, ये जो नंबर आ रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वेयर्स। सिर्फ इनको, मैंने 9/4 और 0.7 को नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इसमें सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि जो नंबर्स हैं, जैसे मैं बोलूं आपको, जैसे मैंने 25 लिखा था, या हम शुरू से लिखें, 1 का स्क्वेयर होता है 1, 2 का स्क्वेयर होता है 4, 3 का स्क्वेयर होता है 9, 4 का स्क्वेयर होता है 16। ये जो इस तरह के जो सारे नंबर हैं विच आर स्क्वेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वेयर्स। दीज आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वेयर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वेयर्स। जो 25, 1, 4, 9, जो भी नेचुरल नंबर्स के स्क्वेयर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वेयर। नेचुरल नंबर का जैसे 10 का स्क्वेयर 100, 100 इज ए परफेक्ट स्क्वेयर। 12 स्क्वेयर इज 144, 25 इज 625। ये सारे नंबर कैसे हैं, ये सारे नंबर हैं परफेक्ट स्क्वेयर। सो परफेक्ट स्क्वेयर कौन से होंगे, जो नेचुरल नंबर के स्क्वेयर्स होते हैं। तो जो नेचुरल नंबर के स्क्वेयर्स होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्क्वेयर के बारे में, ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है कि स्क्वेयर क्या होता है, नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, टर्म मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ विल बी दी स्क्वेयर ऑफ द गिवन टर्म, और परफेक्ट स्क्वेयर क्या होते हैं, जो नंबर नेचुरल नंबर्स के स्क्वेयर हैं। जैसे ये 9/4 है, 9/4 किसका स्क्वेयर था, 3/2 का, लेकिन 3/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है। हमें पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो हम काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या हैं, ये सारे अप टू इन्फिनिटी क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो इनका जो भी स्क्वेयर होएगा वो क्या कहलाएंगे, परफेक्ट स्क्वेयर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो अगली बात है वो देखिए, थर्ड जो पॉइंट है इसमें, थर्ड पॉइंट क्या है, परफेक्ट स्क्वेयर्स की जब मैं बात कर रहा हूं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वेयर है या नहीं है। मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया 240। ये जो पहला पहला एक प्रोसेस है टू चेक हाउ कैन वी चेक ए गिवन नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वेयर और नॉट, तो उसके लिए हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 240। 240 अगर मुझे चेक करना है कि प्राइम के परफेक्ट स्क्वेयर है या नहीं, जो भी नंबर मुझे चेक करना है उसकी मुझे क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हो गया, कि ये जो फैक्टर्स लूंगा मैं कैसे लूंगा, प्राइम लूंगा। जैसे दिस विल बी 2, 1, 2, 0, अगेन 2, दिस इज 6, 0, अगेन 2, दिस इज 3, 0, 2, दिस इज 15, 3, इट विल बी 5। तो जिस नंबर की भी हमें चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वेयर है या नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। सो वी हैव 240 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स,
इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव, ये मैंने इनकी क्या लिख दी, प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दी। अब जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर्स आए हैं, इफ दे आर इन पेयर्स, इफ दे आर इन पेयर्स, तो पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स, अगर मेरे पास यहां पे पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स अगर बन रहे हैं, पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स, देन इट विल बी ए परफेक्ट स्क्वेयर। जैसे 2 एंड 2, दिस इज ए पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स हैं, 2 और 2 दोनों इक्वल होते हैं और ये इक्वल फैक्टर्स का पेयर बन गया। सिमिलरली दिस इज 2 एंड 2 पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स, बट ये जो है ये 3 जो है 3 के इक्वल कोई फैक्टर, लेकिन ये जो 3 है 3 के इक्वल कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, मतलब 3 इंटू 3 नहीं आया, ना ही 5 इंटू 5 आया। तो इसका मतलब क्या आ गया, दिस इज दिस 240 डज नॉट कंटेन, इट इट डज नॉट कंटेन पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स, सो 240 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर, सो 240 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज स्क्वेयर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ठीक है गाइस, एक और करते हैं, चलिए हम इसी में हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया 920 लिख देता हूं, चलो मैं 920 चेक करना है मुझे कि परफेक्ट स्क्वेयर है या नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 920 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, 2 4 जा 8 और फिर 12 तो 6 तो 0 तो 2 2 3 0 तो 23। ठीक है, तो 2 से 1 और 2 से फिर 1 और 2 से 1 5। ठीक है, और फिर ये आ जाएगा ये 5 से 5 2 जा 10 5 3 जा 3 और ये 23 और ये भी 23 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 920। 920 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं लिखूं 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स देन 5 देन 23। ठीक है, तो इसमें मेरे पास क्या है, देखिए ये पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स, दिस इज अलोन, दिस इज ऑल्सो, सो दीज आर अलोन, दीज आर नॉट हैविंग पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स, सो 920 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर, 920 भी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मुझे पता चल जाएगा कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वेयर है या नहीं है। मुझे क्या करना है, उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स को चेक करना है। जैसे एक और करता हूं मैं, मान लीजिए मैंने लिखा 900 लिख लिया, चलो अब की बार, सो दिस इज 2, सो दिस इज अगेन 2 4 जा 8 2 4 जा 8 एंड देन 2 5 जा 10 450 देन इट इज 2 2 जा 4 2 2 जा 4 एंड देन 5 225 देन इट इज 3 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15 3 दिस इज 25 दिस इज 5 5 5 एंड दिस इज 1 सो दिस इज 900 900 इज 900 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 सो दिस इज ए पेयर दिस इज ए पेयर दिस इज ए पेयर पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स इज कंप्लीट 2 पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर दिस इज पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर दिस इज पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर सो 900 इज ए परफेक्ट स्क्वेयर 900 क्या है मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वेयर है। ठीक है, तो ये हमारा कह सकते हैं कि पहला जो पार्ट है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वेयर है या नहीं है, या परफेक्ट स्क्वेयर का मतलब क्या है, या स्क्वेयर ऑफ ए नंबर क्या है, ये सब हुई इन चीजों के बारे में बातें। आगे हम इसमें डिस्कस करते हैं। अब इसमें एक बात और समझिए, देखिए मैंने सभी 1 टू 10 मैंने स्क्वेयर्स लिख दिया, यहाँ पे 1 स्क्वेयर इज 1 2 स्क्वेयर 4 3 स्क्वेयर ये इस तरह से लिख दिया। तो इसमें देखिए कि किसी भी नंबर के स्क्वेयर के लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 और 8 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। 2 आया किसी के स्क्वेयर में लास्ट यूनिट डिजिट, मैं किसकी बात कर रहा हूं, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं। क्या किसी के यूनिट डिजिट में इनमें से कोई नंबर आया है, नहीं आया। 2 3 7 और 8 में से कोई भी यूनिट डिजिट नहीं आया। अब इसका मतलब समझिए, अब इसका मतलब जैसे मैंने लिखा कोई नंबर 44 इंटू 44, मैं ये करना चाह रहा हूं, ठीक है, तो मुझे पता है, देखिए 4 और 4 मल्टीप्लाई होकर यहां पर जब भी जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका यहां पर 6 आएगा, इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा 44 स्क्वेयर तो उसके लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। अगर आप चेक भी कर लें तो लास्ट में मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1936 आ जाएगा।
44 स्क्वायर इज 1936, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। फिर जैसे मैंने लिख दिया 57 इंटू 57, अगर आप इसको करने की कोशिश करेंगे, देखिए यहां पे 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा 49, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा 9 आएगा, और अगर आप कंप्लीटली सोल्व करोगे तो ये 3249 ऐसे आ जाएगा। मतलब मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, देखिए 9 आएगा यहां पर 6 आएगा। आप किसी भी नंबर का स्क्वेयर फाइंड करिए, ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर का अगर मैं स्क्वेयर फाइंड करता हूं तो मुझे क्या पता चलेगा कि ये जो नंबर है 2, 3, 7 और 8 ये किसी भी यूनिट डिजिट पे नहीं आएंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी स्क्वेयर नंबर, अ स्क्वेयर नंबर नेवर एंड्स इन 2, 3, 7, 8। इसका मतलब है अगर किसी नंबर के लास्ट में आपके ये इनमें से कोई नंबर लिखा हुआ है और आपको कहा जाए कि क्या ये परफेक्ट स्क्वेयर है, तो आप उसको झट से मना कर देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वेयर नहीं हो सकता। जैसे मान लो कोई मुझसे पूछे कि 152 इज परफेक्ट स्क्वेयर और नॉट, तो मैं कह दूंगा नहीं, 152 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर, बिकॉज अब डेफिनेशन से समझिए क्या था कि मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई 152 आ जाए, जिसकी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ कितनी आनी चाहिए 152। तो यहां पर अगर मैं ये लिस्ट देखूं, देखिए लास्ट यूनिट डिजिट तो इनमें से ही कोई होगा किसी भी नंबर का। अब आप किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 2 नहीं आ सकता लास्ट में, ठीक है। मान लो मैंने 49 इंटू 49 किया तो लास्ट नंबर 99 था, 99 इंटू 9 क्या आएगा 1 आएगा, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। मैंने यहां पे लिख दिया 438 और 438 इसका स्क्वेयर कर रहा हूं मैं, 8 इंटू 8 कितना होता है 64, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 4 आएगी। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि कोई भी नंबर जब खुद से मल्टीप्लाई होता है इट नेवर एंड्स इन 2, 3, 7 और 8। कोई भी नंबर जब खुद से मल्टीप्लाई होता है इट नेवर एंड्स इन 2, 3, 7 और 8। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो मैं कह दूंगा कि वो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, ठीक है। तो मैं उसमें क्या कह दूंगा कि वो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। मान लीजिए मुझे कहा जाए कि 1596 क्या ये परफेक्ट स्क्वेयर है, अब ये इनमें से कोई नंबर नहीं आया तो ये परफेक्ट स्क्वेयर हो सकता है, मे बी, इसका मतलब 100% होगा ये नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा कि ये इस केस में मैं लिख दूंगा कि मे बी हो सकता है। लेकिन अगर 2, 3, 7, 8 की बात हो रही है तो वो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होगा, 100% वो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो लिस्ट है 1 to 10 जो मैंने स्क्वेयर लिखे हैं तो इनकी यूनिट डिजिट अगर मैं चेक करता हूं तो जो जो यूनिट डिजिट यहां पे पॉसिबल दिख रही हैं यही यूनिट डिजिट पॉसिबल हैं परफेक्ट स्क्वेयर्स के लिए, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वेयर नंबर के लास्ट में 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 4, 1, ये सारे यूनिट डिजिट हो सकते हैं परफेक्ट स्क्वेयर नंबर के, लेकिन 2, 3, 7, 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वेयर नंबर के लास्ट में नहीं आ सकते। इसका मतलब अगर कोई कहे कि 732 परफेक्ट स्क्वेयर है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप कह दोगे 732 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर बिकॉज परफेक्ट स्क्वेयर नेवर एंड्स इन 2, परफेक्ट स्क्वेयर के लास्ट में 2 नहीं आएगा, 2, 3, 7 और 8 कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दूसरा टेस्ट है मुझे पता चल गया, जो मुझे देखते ही बता सकता हूं कि परफेक्ट स्क्वेयर होगा या नहीं होगा, ठीक है गाइज। देखिए जैसे हमने अभी कहा था कि परफेक्ट स्क्वेयर नंबर के एंड में 2, 3, 7 और 8 नहीं आएगा, ठीक है, द परफेक्ट स्क्वेयर्स नेवर एंड्स विद 2, 3, 7 और 8, मतलब उनकी यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकती। इसी तरह से जीरो के बारे में देखिए, एक मतलब जैसे अ परफेक्ट स्क्वेयर विल ऑलवेज हैव इवन नंबर ऑफ जीरोज, इवन नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड। इवन नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड का मतलब कैसे, जैसे मैं करता हूं 10 इंटू 10 करता हूं, देखिए 10 इंटू 10 मुझे पता है कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 जीरोज आ गई, तो इवन नंबर ऑफ जीरोज आ गई इसके अंदर। इसी तरह से जैसे देखिए मैंने लिख लिया मान लो 420 इंटू 420, ठीक है, 420 इंटू 420। अब 420 इंटू 420 में मुझे एक बात पता है, देखिए ये जो है ये 42 इंटू 10 है और ये भी 42 इंटू 10 है, ठीक बात है, 420 इज 42 इंटू 10, 420 इज 42 इंटू, तो 10 इंटू 10 फिर से क्या हो जाएगा, डबल जीरो आ जाएगी लास्ट में। ये बात समझ में आई या नहीं आई, 40
टू जो है 42 का तो स्क्वेयर हो जाएगा, मान लीजिए 17764 हो जाएगा 42 का स्क्वेयर, तो और 10 × 10 100 हो जाएगा, तो 00 आ जाएंगे लास्ट में। तो इसका मतलब अगर कोई भी नंबर आपको दिखाई दे जिसके लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं तो वो परफेक्ट स्क्वेयर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो इवन नंबर ऑफ जीरोस नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होगा, वो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 5030, ये लिख दिया मैंने, क्या ये परफेक्ट स्क्वेयर है? नो, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर बिकॉज इट कंटेन्स ओड नंबर ऑफ जीरोज, ओड नंबर ऑफ जीरोज इन दी एंड। एंड में देखना है मुझे, ये नहीं कि एक जीरो यहां थी एक जीरो यहां थी तो 2 जीरो हो गई इवन नंबर ऑफ जीरोज, एंड में देखना है मुझे, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि परफेक्ट स्क्वेयर नंबर जो होगा इवन नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड होंगे, ठीक है, तो वो परफेक्ट स्क्वेयर हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि इवन नंबर ऑफ जीरोज आने से वो परफेक्ट स्क्वेयर हो जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वेयर हो सकता है, हम चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके इवन नंबर ऑफ जीरोज लास्ट में नहीं है तो ये 100% है कि वो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, ठीक है। उसके बारे में फिर मुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, तब वो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होगा, ठीक है। इसमें जैसे नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो आएगा वो हमारे इस तरह से आएंगे कि फाइंड फाइंड स्क्वेयर रूट ऑफ, सपोज मैंने लिख दिया, हमने एक नंबर चूज कर लिया जैसे 3375, 3675 लिख लिया मैंने, जैसे 3675 यूजिंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन इफ पॉसिबल। अब देखिए इसने कहा फाइंड स्क्वेयर रूट ऑफ दिस यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर पॉसिबल है तो इसका स्क्वेयर रूट निकालना है। अब इसके लास्ट में 5 है तो मैं इसको देख के ही डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि परफेक्ट स्क्वेयर है या नहीं है, क्योंकि 2, 3, 7 और 8 होता तो मैं एक ही लाइन में लिख देता कि 2, 3, 7, 8 एंड में नहीं हो सकता, ये परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे, मैंने क्या बताया था फर्स्ट में, हमने इसी वीडियो में शुरू में क्या बात की थी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो इसका जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो यहां पे 3 से मेरे पास ये आ जाएगा, और फिर 5 से 5 2 जा 10 हो जाएगा, और ये 245 आ जाएगा। इसी तरह 5 से मेरे पास 5 4 जा 29 हो जाएगा, और ये 7 7 आ जाएगा। तो इसमें देखिए ये जो पेयर था इक्वल फैक्टर्स का वो कंप्लीट हो गया, ये जो पेयर था इक्वल फैक्टर्स का ये कंप्लीट हो गया, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर। तो इसका मैं स्क्वेयर रूट फाइंड स्क्वेयर रूट, ये मैं इसका स्क्वेयर रूट नहीं फाइंड कर पाऊंगा, ठीक है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरह से मान लीजिए मुझे कहा जाए कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वेयर रूट निकालना है, मान लीजिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें मुझे निकालना है, मान लो मुझे कहा जाए कि आपको 1296 का निकालना है, फाइंड स्क्वेयर रूट ऑफ 1296 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं क्या करता हूँ, प्राइम फैक्टर करता हूँ इसका, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर मैं 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, अगेन 2 1 1 2, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, देन 2 8 जा 1, देन इट इज 3, 3 2 से 27 आ जाएगा, 27 से 3 से 27 आ जाएगा, और 3 से फिर 9 आ जाएगा, 3 से फिर 3 आ जाएगा, और ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए 1296 के केस में देखिए, अगर पेयर कंप्लीट है तो ये कंप्लीट है, ये भी 22 वाला कंप्लीट है, ये भी 33 वाला कंप्लीट है, ये भी 33 वाला कंप्लीट है। आपको कोशिश यही करनी है हर बार कि आप इसी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में सिलेक्ट करें जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त। वैसे मैंने पहले 2 से किया, फिर मैंने फिर दोबारा से फिर ये 2 पे जा रहा था, फिर मैंने 3 पे चेक किया, इस तरह से आपको इसी तरह बढ़ना है। जैसे यहाँ पे पहले 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, तो आपको इसी तरह बढ़ना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। और नंबर यहाँ पर प्राइम होंगे तभी आपका आंसर ठीक आएगा, अगर प्राइम नंबर नहीं होंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगी फिर, ठीक है। तो इस केस में 1296 के सारे पेयर कंप्लीट हो गए, तो इसका मतलब ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वेयर है। अब इसका परफेक्ट स्क्वेयर निकलेगा कैसे, ये परफेक्ट स्क्वेयर है ये तो मुझे पता चल गया, इसकी परफेक्ट स्क्वेयर किसका है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे ये सारे फैक्टर जो हैं इसके जो आए हैं विद पेयर्स लिखने पड़ेंगे, जैसे 2 × 2, 2 × 2, 3 × 3 और 3 × 3, ये सारे नंबर मैंने लिख लिए, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, 3 × 3, 3 × 3 मैंने लिख दिया, सो दिस इज 1296।
अब मैं देखता हूं, देखिए ये पेयर एक कंप्लीट हो गया, इक्वल फैक्टर्स का, पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स, पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स, पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर कंप्लीट हो गए, तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वेयर है। अब अगर मुझे इसका रूट निकालना है, ठीक है, रूट निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेयर से एक फैक्टर ले लो, एक पेयर से एक फैक्टर ले लो। जैसे ये पेयर हो गया टू टू का, तो यहां से एक टू ले लो, ये पेयर कंप्लीट हो गया तो यहां से भी एक टू ले लो, ये पेयर कंप्लीट हो गया तो यहां से एक थ्री ले लो, ये पेयर कंप्लीट हो गया तो यहां से भी एक थ्री ले लो। इनकी मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वेयर रूट। ये किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वेयर रूट ऑफ 1296। और स्क्वेयर रूट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, स्क्वेयर रूट इज दिस सिंबल। इस सिंबल से मैं लिख दूंगा कि यहां पे 1296 का रूट आ जाएगा, 2 इंटू टू 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 इज 36। इसका मतलब ये हो गया। अब देखना यहां पे नोटेशन बहुत जरूरी है, देखो यहां पे मैंने जो फैक्टर लिखे थे वो 1296 के थे, जब मैंने इनको पेयर से निकाल लिया, इस पेयर से एक टू सिलेक्ट कर लिया, इस पेयर से एक टू सिलेक्ट कर लिया, इस पेयर से एक थ्री, इस पेयर से एक थ्री, तो यहां पर मैंने 1296 लिखा था, लेकिन यहां पर मैंने क्या लिखा है, स्क्वेयर रूट ऑफ 1296। जब आप पेयर से एक एक चीज सिलेक्ट कर लेंगे तब आप कहां पहुंच गए, स्क्वेयर रूट निकालने की कंडीशन में पहुंच गए, तो इसलिए स्क्वेयर रूट ऑफ 1296 विल बी 36। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट एक और हम करते हैं, जैसे हमने कहा मान लीजिए मुझे स्क्वेयर रूट ऑफ निकालना है 1024 का निकालना है, मान लीजिए फाइंड स्क्वेयर रूट ऑफ 1024, स्क्वेयर रूट ऑफ 1024, तो फिर से मुझे क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 5 जा 10, 2 1 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 से यहां पर क्या आ जाएगा 6, 4, 2 से यहां पर क्या आ जाएगा 32, 2 से यहां पर क्या आ जाएगा 16, 2 से यहां पर 8, 2 से यहां पर 4, और यहां पर क्या आ जाएगा 2, और 2 से यहां पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया, तो मैं अब देखता हूं, देखिए 1024, 1024 इज द प्रोडक्ट ऑफ, कितनी बार 2 आया है मैं चेक कर लेता हूं, 2 4 6 8 10 बार, तो मैंने यहां पे 10 टाइम्स लिख दूंगा, 2 इंटू 2 10 टाइम्स हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, पेयर कंप्लीट करना है, सो दिस इज दीज आर दी पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, कंप्लीट हो गए। अब मैं देखिए क्या लिख रहा हूं, ये 1024 लिखा था, यहां पर अब मैंने क्या शुरू कर दिया है, प्रोसेस शुरू कर दिया इसका स्क्वेयर रूट निकालने का, और स्क्वेयर रूट निकालने का प्रोसेस शुरू कर दिया, तो आपको यहां पर स्क्वेयर रूट शो करना है, और अब देखिए हर एक पेयर में से एक टू बाहर आ जाएगा और उनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, जिसका पेयर है उनमें से एक को बाहर ले लीजिए और उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका स्क्वेयर रूट ऑफ 1024 विल बी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 इज 32। सो स्क्वेयर रूट ऑफ 1024 इज 32। तो गाइज हमने आज ये सीखा कि स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट के बीच में क्या संबंध है, हम स्क्वेयर क्या होता है और स्क्वेयर रूट क्या होता है, फिर इनको कैसे निकालते हैं, क्या क्या यूनिट डिजिट हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। तो थैंक यू गाइस, ये पहला वीडियो था इस टॉपिक पे, आई होप यू विल लाइक द वीडियो।